प्रदेश की राजधानी को लंबे समय बाद दो मंत्री मिले हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कृष्णा गौर जी जो पूर्व महापौर रही हैं और बाबूलाल गौर जी की बहू हैं। मैडम, एक तो आपको बहुत बहुत बधाई, और क्या प्राथमिकताएं आपकी रहने वाली हैं? वो मंत्री पद की शपथ आज ली है, स्वाभाविक रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिली है। मेरी पार्टी ने मुझे जिस लायक समझा, आज मेरी जिम्मेदारी इस बात की है कि आने वाले समय में पार्टी की अपेक्षाओं की हर कसौटी पर खरा उतर कर दिखाऊं। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, अब विभागों के माध्यम से जो भी दायित्व मुझे देंगे उसका निष्ठापूर्वक निर्वहन करना ये मेरा काम होगा। और मैं हृदय से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ मेरे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री जी, हमारे प्रदेश नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, जिन्होंने एक छोटी सी कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर एक कार्यकर्ता के मन में भी ये उत्साह पैदा किया है कि अगर हम समर्पण के साथ काम करते हैं तो पार्टी जरूर हमको अवसर देती है। मैडम, लगातार बीजेपी की जीत, और वो भी इतनी बड़ी जीत, और उसमें भी महिलाओं की बड़ी भूमिका, तो क्या एक बड़ी जिम्मेवारी महिलाओं को लेके भी इस बार आप लोग देख रहे हैं? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो महिलाओं का सम्मान करता है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प के साथ काम करता है। महिलाओं का राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक सशक्तिकरण हो, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा प्रयास किया है। आज खुशी है मुझे इस बात की कि आज़ादी के बाद कई दलों ने महिला आरक्षण की बात तो की लेकिन कभी ठोस प्रयास नहीं किए, लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया था पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम देश की आधी आबादी को का राजनीतिक सशक्तिकरण करने के लिए 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में लाएंगे। आज वो करके दिखाया, जिसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि देश की आधी आबादी भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरा समर्थन करती है, पूरा सम्मान रखती है और ये मानती है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। मैडम, 13 दिन लगे हैं मंत्रिमंडल में, तो क्या ये माना जाए कि अब सभी वर्ग और जो सोशल इंजीनियरिंग है वो पूरी हुई है, मतलब सभी वर्गों को एक संतुलित मंत्रिमंडल का गठन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का अप्रत्याशित विकास करेंगे और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काम करने वाली डबल इंजन की सरकार को की गति को और तेज करने का काम करेंगे। मैडम, आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव है, एक बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं क्या इसको? मध्य प्रदेश में 2024 लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाना ये हमारा संकल्प है और निश्चित रूप से इस संकल्प को हम पूरा करेंगे। तो ये है कृष्णा गौर जी, जिनका कहना है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इस चुनौती को बीजेपी ने पूरी मुस्तैदी से ली है और आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी। कैमरामैन फैजान के साथ ब्रजेंद्र पटेरिया, भोपाल।